जो हमारे व्यूअर्स है और लिसनर्स है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो रेस वॉकिंग चैंपियन है। एक्चुअली वॉकिंग का मुझे पता ही नहीं था उस समय, मैं केवल हमने सुना था कि वॉकिंग कोई रेस होती है, हमें देखा कभी नहीं था। मैंने इवन मेरे फैमिली, मेरी मम्मी को नहीं पता था वॉकिंग क्या होती है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं है। जब वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है तो हम क्यों नहीं। मैंने उस दिन सोच लिया कि मनीष अब ओलंपिक जाना है, जाना कैसे। अगर मैं उस दिन दौड़ता नहीं शायद मैं ओलंपियन भी नहीं होता। मुझे एक घंटा आधा घंटा नींद मिल गई, मेरा पूरा दिन सही रहता है। सर मेरे को भी कहीं भी मिल जाए सोने को मैं भी सो जाता हूँ। तो हम लोगों को मतलब हर आदमी को एक फोकस रखना पड़ेगा, तब जाके मेडल आएगा। मेडल ऐसा नहीं आ सकता। मैं वही बात होती ना कि अगर हमारा मैथ्स कटी जाए तो मैथ्स पढ़ाए ना, हम उसको साइंस की जबरदस्ती थोप रहे हैं। अगर आप माइंड से स्ट्रांग हो ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। Hi everyone, welcome back to All About Sports, the podcast. We are back again with a brand new episode. You guys are joined by your regular host Aniket, Rishabh and myself Shubham. और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एथलीट है, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मिस्टर मनीष सिंह रावत। मनीष सिंह रावत जी के लिए जो हमारे व्यूअर्स है और लिसनर्स है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो रेस वॉकिंग चैंपियन है। एक ऐसा स्पोर्ट जो शायद इंडिया में ना इतना खेला जाता है ना सुना जाता है, वो उसके चैंपियन है 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर में। इंडिया के लिए ओलंपिक्स में पार्ट भी लिए है और साथ ही साथ अभी इनॉग्रल 35 किलोमीटर चैंपियनशिप भी हाल ही में ये साल जीते हैं। मनीष सिंह जी आप कैसे हो? जी थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। मैं ठीक हूँ, अभी मैं उत्तराखंड में हूँ और यहीं पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपने पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में। सर मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि रेस वॉकिंग जैसा स्पोर्ट एक मतलब एकदम नया टाइप का स्पोर्ट है, मतलब स्पोर्ट पुराना है पर ज्यादा सुनने में नहीं आता, तो आप इस स्पोर्ट में कैसे डिसाइड की कि मेरे को रेस वॉकिंग में जाने का है? आप बचपन से ही बहुत स्पोर्ट्स खेलते थे? एक्चुअली सर ऐसा हुआ कि मतलब मैं बचपन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड था। वैसे तो हमारे देश में अमूमन क्रिकेट सभी खेलते हैं, तो मैं भी बहुत खेलता था गांव घर में क्रिकेट। तो अचानक से मतलब मुझे दौड़ने का थोड़ा सा ये हुआ कि मेरे भाई साहब भैया थे वो वहाँ पे अपनी भर्ती वर्ती के लिए तैयारी करते थे, तो फिर मैं उनके साथ दौड़ने लगा। वहां से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ दौड़ने में। एक्चुअली वॉकिंग का मुझे पता ही नहीं था उस समय, मैं 2002 और 2003 की बात बता रहा हूँ आपको, 3-4 की। उसके बाद फिर मैं स्कूल फिर हमारे फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण मुझे प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में रखा गया। पापा एक्सपायर हो गए थे तो फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में चले गया। तो वहाँ से मेरा स्कूल 7 किलोमीटर आना जाना होता था और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट सा आने लग गया था। मतलब मैं दौड़ना ही मेरा इंटरेस्ट था कि दौड़ूंगा अच्छा तो नौकरी लग जाऊंगा आर्मी वर्मी, तो इसीलिए मतलब मैं दौड़ता था। लेकिन जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ पे मतलब कुछ ब्लॉक रैली होती है डिस्ट्रिक्ट वगैरह ना, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैं किसी रेस में नहीं निकल पाया था। तो लास्ट में बोला पीटीआई हमारे सर थे वहाँ पे, जो उन्होंने कहा कि अब आपका रेस वॉकिंग है। केवल हमने सुना था कि वॉकिंग कोई रेस होती है, हमें देखा कभी नहीं था मैंने, तो हमने पार्टिसिपेट कर लिया। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करना है, टेक्निक ये है और आप लोग, तो मुझे पैदल जाने का पहले से, हम बचपन से भी स्कूल हमारा दूरी था ना, पहले 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर था और बाद में मेरा 7 किलोमीटर दूसरी तरफ हो गया था स्कूल। तो मतलब मैंने कहा 3 किलोमीटर में कर लूंगा, तो मैं सबसे आगे आ गया तो पीटीआई सर ने कहा कि आप करोगे वो, तो हमारा स्टार्टअप यहाँ से हो गया। तो मुझे मतलब उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट रैली, फिर स्टेट और फिर मैं 2 साल बाद नेशनल चले गया। 2 साल 2005-06 में पहला स्कूल नेशनल खेला था। तो स्कूल टाइम से वॉकिंग का मुझे यहाँ से पता लगा कि वॉकिंग भी कोई रेस है। बस मुझे ये नहीं था कि मैं ओलंपिक जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं था ओलंपिक भी होता है उस समय। मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, पूरे गाँव बिल्कुल गाँव के स्कूल से, तो हम लोगों को जानकारी नहीं था इसका ना। बस उस समय ये था कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मुझे पता लगा था कि स्कूल नेशनल वगैरह खेलते हैं उसमें मेडल वेडल आए तो नौकरी वोकरी लग जाती है जल्दी, बस इतना ही पता था मुझे। तो वॉकिंग स्टार्ट यहाँ से हुआ मेरा। नहीं सो, बहुत बढ़िया बात है कि आपका वॉकिंग स्टार्ट हुआ, बिकॉज आज आपने इंडिया के लिए इतना कुछ किया है और आपकी शुरुआत और आपकी फुल जर्नी में आपके जिंदगी में काफी मुश्किल का सामना भी आपने किया है और हाल ही में तो पूरा दुनिया कर रहा है जैसे कोविड को लेकर। तो सर मुझे आपसे जानने का, अभी ये साल आपने 35 किलोमीटर इंडिया का पहला जो चैंपियनशिप था वो आपने जीता है और लास्ट 1.5 साल से इंडिया में और दुनिया भर कोविड फैला हुआ है, तो सर इतने डिफिकल्ट मोमेंट में जहाँ पे सब जगह बीमारी है, आप अपने आप को ट्रेन कैसे करते थे और आप ये कैसे फोकस किए कि मेरा ट्रेनिंग खराब नहीं होना चाहिए? जी एक्चुअली सर ऐसा हुआ था कि 2019 में हम लोग नेशनल कैंप में थे और हमारी प्रिपरेशन ओलंपिक की बिल्कुल चल रही थी और 16 में ऐसी ट्रेनिंग नहीं किया था जो इस साल किया था मैं। तो मुझे लगा मैं फिट हूँ बहुत ज्यादा, तो कभी कभार हार्ड लक होता है कि शायद
मैं नहीं कर पाया, क्योंकि इसलिए नहीं कर पाया, मैं मेरा 8 किलोमीटर में मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया कॉम्पिटिशन के दौरान। और मतलब मेरे को बहुत दुख हुआ कि मैं इतना फिट होने के बावजूद, वही होता है ना मूवमेंट कभी कभार आदमी बहुत कुछ, तो बहुत फिट होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं दे पाता। तो वहां से मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ था पिछले साल। डिमोटिवेट नहीं हुआ था, मुझे सिलेक्शन एक्चुअली मिल गया था, इसके नीचे अपने से मुझे जाना था। तो आप लोगों का ये हो गया था कि जापान जाना है और वहां पे अच्छा करूंगा, मेरे पास टाइम है 1-1.5 महीने का। लेकिन अचानक से कोविड आ गया, वहां से हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। बैंगलोर में पड़े हैं, बाहर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते। और सबसे मेन बात है कि एथलीट का शेड्यूल ऐसा रहता है, बिल्कुल इरिटेटिंग शेड्यूल हो जाता है। और अगर आप इतने टाइम से शेड्यूल कर रहे हो उसको, दौड़ना दौड़ना दौड़ना, और अचानक से आपके सामने ऐसा है कि बिल्कुल कुछ नहीं है आगे, तो मतलब हम लोग बहुत परेशान हो गए कि हमने इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और अब हम मेहनत किस चीज के लिए करें, क्योंकि हमारे पास आगे कोई पता ही नहीं चल रहा है कब होगा क्या होगा। तो मतलब 3-4 महीने ऐसे ही कटे, बहुत अपसेट से रहे, फिर भी कोशिश किया फिट रहने की, क्योंकि नेशनल कैंप में थे बैंगलोर में, तो कोशिश किया हम लोग की फिट रहने की कोशिश करें। फिर मैं सोचा यार अब तो कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं फेडरेशन से परमिशन लेके मैंने कहा मैं अपना ट्रेनिंग सेंटर में जाऊँ, क्योंकि बैंगलोर में कोविड बहुत ज्यादा हो रहा था और उसमें डर भी लग रही थी ज्यादा। और फिर मैं इधर आ गया अपना, जहाँ पे मैं ऋषिकेश के ऊपर हूँ बिल्कुल टॉप में, हमारे पुलिस का एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे अंदर कोई नहीं आ सकता और ग्राउंड है हमारा, तो मुझे पूरा सपोर्ट है यहाँ पे। तो और मैं अकेला हूँ, मतलब कोई और एथलीट मतलब ही नहीं होता, आए तो हेल्प, लेकिन अभी कोविड के चक्कर में कोई आ भी नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे आ गया, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा फिटनेस करने लग गया, फिर कोविड थोड़ा कम हुआ, मैं बैंगलोर चले गया। तो फिर ट्रेनिंग मैंने फिर से, मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया, एक्चुअली अभी भी मेरा वेट बढ़ गया है, क्योंकि फिर से मैं बैंगलोर से यहाँ पे आ चुका हूँ और वही कोविड वाला हो गया सीन की लास्ट ईयर भी हम लोग फिट हुए थे। तो मैं अपना जब यहाँ से बैंगलोर गया तो मैंने सोचा 20 किलोमीटर में मेरी स्पीड नहीं आ पाई थी ना बॉडी में, तो मैं 35 में फोकस, 50 किलोमीटर मैंने फोकस किया एक्चुअली, 35 भी नहीं। लेकिन फिर मुझे कोच ने कहा यार देख 50 किलोमीटर भी क्वालिफाई बहुत टफ है टाइम अभी, तो हमें नेक्स्ट ईयर का फोकस करना है, क्योंकि हम लोग ना अभी का सोच, अच्छा असल में हम लोगों को फ्यूचर का सोचना पड़ता है। तो अगले साल क्या है, कॉमनवेल्थ एशियन गेम है, अभी ओलंपिक्स का कुछ फिक्स बोल भी नहीं सकते, होगा तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत लोग मेहनत किए। तो अगले साल का फोकस मेरा है कि मैं 35 किलोमीटर अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी होगी, कॉमनवेल्थ में भी होगी, एशियन गेम में भी होगी, तो उन चीजों उसके लिए मैं अभी से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो कोच मतलब मुझे शेड्यूल भेजता है, मैं यहाँ पे जितना हो सके कोशिश करता हूँ करने की, क्योंकि अब यहाँ पे पहाड़ में बारिश भी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ। तो अपने आप को मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को, घर भी देखना है अभी बीच में कोविड, गाँव भी, मम्मी है मेरी ऊपर गाँव में रहती है, तो ऐसा नहीं है कि हमें केवल, हम लोग एथलीट है तो केवल ट्रेनिंग ही, अब पार्ट ऑफ लाइफ अपना पर्सनल लाइफ भी होता है, उसमें थोड़ा फैमिली है, वाइफ है, जैसे मेरी शादी होगी 2 साल से हम लोग मतलब 8-9 महीने से मिल ही नहीं पाए, फिर अभी मुश्किल से मिल रहे हैं। तो मतलब ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है कि हम लोग मेंटलिटी भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है ना। तो कर रहे हैं फोकस, अभी भी कर रहा हूँ मैं कि अभी ठीक है, साथ में है और ट्रेनिंग वर्निंग भी ठीक चल रहा है, अभी नेक्स्ट ईयर का मेरा फोकस है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान में रखना होगा कि मेंटलिटी आर्मी फ्री है, और कोविड ने मेंटलिटी बहुत डिस्टर्ब किया सबको, है ना, सब सबको किया, मेरे को नहीं, ये सारी दुनिया को बहुत डिस्टर्ब किया इसने। तो वही है कि देखते हैं कब तक होता है, अभी भी कोविड ही चल रहा है, ऊपर वाले से दुआ है जल्दी ठीक हो जाए सब कुछ। तो इसी तरह हम लोग कर रहे हैं कोशिश। मनीष जी, आपने जैसे आपने कहा कि आपको पर्सनल लाइफ भी होती है एथलीट की, हम एक एथलीट सिर्फ उनके स्पोर्ट के बारे में नहीं सोच सकते, तो जैसे जो मुश्किल परिस्थितियां थी जीवन में, आप एक दौरान में रेस्टोरेंट में काम करते थे, आप और भी कई सारी कठिनाई आई, उस दौरान आपने ये निश्चय कैसे बनाए रखा कि मुझे रेस वॉकिंग में हिस्सा लेना है, जीतना है, भाग लेना है और देश को रिप्रेजेंट करना है। इस ये निश्चय को बनाए रखना बहुत कठिन कार्य है मेरे मायने में। तो आप जी जी एक व्यक्ति जिन्होंने ये किया है कि आप बता पाएंगे कि आपका कोर क्या था, कि आपकी बिलीफ क्या थी कि मैं ये करता रहूं? एक्चुअली सर क्या था कि जब मैं मेरा सारी न्यूज में आता है, वो काफी जगह आया है कि मतलब मैं वेटर का काम किया हूँ, एक्चुअली वेटर नहीं किया था, मेरा होटल था वहां पे, मैं पूरा होटल, मेरा एक छोटा सा होटल हुआ करता था उसको मैं चलाता था, अभी वो ज्यादा लाइट में आ गया तो सब लोग ये गए थे, मैं वहां पे खाना बनाने का काम करता था और मेरे साथ एक छोटा लड़का था बद्रीनाथ में। 2006 में मैं वो स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ना, 2006 में एक्चुअली मैं हाई स्कूल में था, 5 में था, मैं फेल हो गया था हाई स्कूल में, ठीक है। तो 6 में मैं दोबारा से, मैंने सोचा मैं इंटर कॉलेज में हूँ और उस फेल होने का मेरे को फायदा हुआ एक्चुअली ना, उसी से मैं जॉब लगाऊँ। असल में मैं अगर हाई स्कूल में फेल नहीं होता तो मैं 1 साल पहले प्लस टू हो जाता, और अगर मैं 1 साल पहले प्लस टू हो जाता तो फिर मैं स्कूल ने सर जो
प्लस टू में मेरा स्कूल नेशनल में जो मेडल आया उस मेडल से मेरी जॉब लगी है, और उस जॉब से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि मैं कहा ना पर्सनल लाइफ भी होती थी, मेरी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी कि मैं अब बस नौकरी चाहिए थी मुझे, मुझे वॉकिंग का कोई पता नहीं था, मैं सोचता था मुझे कैसे भी लग जाए। तो मतलब मैं इसलिए ये स्टोरी प्लस टू जो हाई स्कूल वाली बताता हूँ, जब मैं बद्रीनाथ गया था, तो बद्रीनाथ में मैं वहाँ पे होटल में काम कर रहा था, तो फिर मैं पास होके आया, 1.5 महीना मैंने वहाँ पे किया, तो मैं वापस आ गया। तो हम पर्सनल लाइफ को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो उस समय मैं नहीं सोचता था कि मैं ओलंपिक जाऊंगा, उस समय मैं सोचता था भाई मैं मतलब अच्छा खेल रहा हूँ मैं, ठीक है मुझे इसमें फोकस रखना है, ये मेरा एक वो है, इससे मुझे फायदा मिलेगा, लेकिन मेरा जो मेन है मुझे नौकरी लगना है, मेरी दो सिस्टर है उनकी शादी करनी है, और मेरा एक छोटा भाई है, और मेरी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है जिसे मुझे मेंटेन रखना है। उसको मेंटेन रखते हुए अगर मेंटेन मतलब मैं रात को कभी कभार नींद भी नहीं आती थी टेंशन में, क्योंकि मेरी जॉब नहीं लग रही थी 2009-10 में, और मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी, मेरी स्किन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, और मैं 5 आर्मी की जनरल भर्ती थी मैंने, एक ITBP की थी, और ये उत्तराखंड पुलिस की एक पहले दी थी स्पोर्ट्स कोटा, और उसके बाद दूसरी स्पोर्ट्स कोटा में ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरा स्कूल नेशनल सबसे छोटा मेडल माना जाता है, तो उस नेशनल में मेरे से यूनिवर्सिटी चैंपियन थे, उन लोगों को पहले नौकरी मिल गई तो मुझे नहीं मिल पाई थी, और आर्मी में मैं थोड़ा मेडिकल में मेरे इशू हो रहा था, थोड़ा बहुत कम इशू था, बल्कि एक दो जगह मैं फिट भी हो गया था, लेकिन असल में मेरा पहले से माइंड में ये था कि मैं आर्मी में नहीं हूंगा, क्योंकि मेरी फैमिली में सब आर्मी में थे, पापा एक्चुअली आर्मी में थे, दादा आर्मी में थे, तो मैं थोड़ा सा आर्मी का माहौल देखा था, मैं सोचता था यार थोड़ा मैं फ्रीडम रहूं, तो फ्रीडम थोड़ा मुझे पुलिस में मिलेगी, सोचता पुलिस में हो जाऊं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं कैसे रहूं, बस जब ये मेडल आया तब मेरे पास ऑप्शन आया कि मैं हाँ उत्तराखंड पुलिस में हो सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाई में मैं बहुत वीक था। तो मतलब फैमिली में इतनी सारी चीजें आपको फोकस करनी है, फिर आपको अब जब मुझे पता लगता है कि नेशनल भी होता है जूनियर भी होता है, उसके बाद मुझे जाना है पार्टिसिपेट करना है, फिर घर में मुझे पैसे भी मेंटेन करना है कि कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कोई नहीं है, कोई मुझे स्टेडियम में लोग देते थे जो अच्छे मानते थे मुझे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सुबह शाम तक, काफी लोग हैं हमारे गोपेश्वर मेरा टाउन है वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे जो हेल्प करते थे, मैं स्कूल नेशनल के बाद जो नेशनल जूनियर होती है उसमें खेलने लग गया था, और वहाँ पे फोर्थ फिफ्थ आ रहा था मैं, उसके बाद मैं घर आऊँ, फिर हमारी खेती वगैरह अपना घर में जो भी काम होता था, इवन मैं हमारे वहाँ से ट्रैक है एक 22 किलोमीटर का, रुद्रनाथ मंदिर है वो पंच केदार में आता है, पंच केदार में आता है, उसमें हम लोग ट्रैक करते थे, क्योंकि बंगाली वगैरह वहाँ पे बहुत आते थे, तो उन लोगों के साथ हमें जाना है, मेरे ही घर से वो रास्ता है 22 किलोमीटर, उनके साथ जाना है, 2-3 दिन में पहुंचते थे वहाँ, वो हमें 250-300 रुपये देते थे एक दिन का, और उनको वापस लाना है, तो ये काम भी बीच में करना पड़ता था, और इस काम के साथ साथ फिर मतलब जहाँ से पता लगा कि नेशनल हो रहा है तो फिर प्रैक्टिस भी करना होता था, फिर बीच में एक बार स्टेडियम में जॉब लग गया, नेशनल मेडल के बाद ना हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक जॉब लगती है, तो मेरे पीटीआई सर का मेरे कोच का अनुप सर जो मेरे कोच थे जो वो आ गए थे गोपेश्वर में, वो असल में स्पोर्ट्स कॉलेज कोच थे वहाँ पे आ गए थे, तो मुझे उनका ट्रांसफर हो गया, तो सर ने मुझे वहाँ पे तो 5,000 नेशनल मेडल के लिए वहाँ पे 5,000 रुपये देने थे, तो मुझे वहाँ बच्चों को कोचिंग करानी है, अब मैं कोचिंग अब खुद स्टूडेंट हूँ, 18 साल है मुझे, और मुझे कोचिंग में ठीक है 19 साल हो गए थे मुझे, तो मैंने किया वो भी, मैं क्या करता था कि शाम को जैसे कभी उनके रैली वगैरह होती थी मैं शाम को उनको करा, असल बास्केटबॉल मुझे खिलाना आ गया था, वहां से सीखा भी मैं काफी कुछ, और खुद भी बास्केटबॉल खेलता हूँ मैं अभी भी ना, तो वहां पे उन लोगों को गेम वेम कराना जो युवा कल्याण के गेम होते हैं, और आफ्टर मैं अपनी ट्रेनिंग करता था, क्योंकि मेरा नेशनल चैंपियनशिप भी है, तो सब चीज को बहुत मेंटेन करना पड़ा लाइफ में ना, तो फैमिली भी चलानी है और दौड़ना भी है, क्योंकि जॉब लगने का कोई ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि मेरी आर्मी में जॉब नहीं लग रही है, अब मेरे पास सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा है लगने के लिए, तो इन चीजों में मतलब मैं कह तो रहा हूँ मतलब फैमिली पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, मैं 2009 में बहन की शादी कराया था, बड़ी वाली बहन की, फिर छोटी वाली की 2013 में करवाया था, फिर छोटे भाई की मैंने 2017 में करवाई थी, फिर मैंने लास्ट में करी थी जब सबको मैंने सेट कर दिया था, छोटा भाई भी मेरा आर्मी में लग चुका है 2012-13 में, तो 2011 के बाद सब कुछ नॉर्मल होने लग गया था, बहुत धीरे धीरे हुआ, क्योंकि मैं 2016 तक कॉन्स्टेबल ही था उत्तराखंड पुलिस में, तो ये सब है जैसा आप पूछ रहे थे कि हाँ बहुत ज्यादा मायने रखती है, आप लोगों की लाइफ में भी शायद आप लोग जॉब करते होंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो पैसा या जॉब नहीं हैंडल कर सकता, उसके लिए हमें खुद जाना होगा तो ऐसे भी जी हमारी लाइफ में हमारा वो भी होता है कभी कभार, है जी ना, तो ये चीजें बहुत मायने रखती है ये हर एथलीट के लिए। ये बात जो आपने कही है वो कितनी इंस्पायरिंग है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं क्लियरली आपको बोल पाऊँ कि कितना मायने रखता है कि आपने जो आपकी स्टोरी अभी शेयर की है। तो मैं आपको अगला एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे भारत देश में, जैसे आपने कहा बहुत सारे लोकप्रिय स्पोर्ट है, उसमें से शायद रेस वॉकिंग एक नहीं है, पर आपको आपके करियर के दौरान फाइनेंशियली भी और ट्रेनिंग में भी कैसे
क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है, क्या कोई फेडरेशन का सपोर्ट मिला है, कि इट वाज ऑलवेज कि कोई प्राइवेटली आपको सब फंड कर रहे हैं, कि आपको हेल्प कर रहे हैं लोग? और अगर ये सुविधाएं आपके पास थी या ना थी, कि आपको क्या लगता है कि रेस वॉकिंग के जो अभी एथलीट्स हैं उन्हें अगर दुनिया के सबसे अच्छे रेस वॉकिंग एथलीट बनने हैं, तो उन्हें और क्या सपोर्ट की जरूरत है फ्रॉम इधर द गवर्नमेंट या अदर फेडरेशन? देखिए, मैं तो कहूंगा कि सर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम लोगों का क्या है कि जैसे मैं हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे नहीं मिला, क्योंकि ऐसा है कि मैं हूं एक गांव का आदमी। ऑब्वियसली मैंने कुछ चीज इतना ज्यादा, मैं जब गांव में था, आज की डेट में मुझे पता है, मुझे तब नहीं था पता, तो मैं सोचता था ये बहुत कुछ है मेरे लिए, मैं उस चीज की अहमियत मुझे है, आज भी है मुझे अहमियत। लेकिन जो एक एथलीट होता है ना, इंटरनेशनल लेवल पर उसे परफॉर्मेंस करना, वर्ल्ड में उसे परफॉर्म करना है, उस लायक वो चीज नहीं है। भले ही मैं संतुष्ट उस चीज से, मैं खुश था, संतुष्ट था, मैं परफॉर्म भी किया, आगे भी करूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमें अगर अपने आप को सबसे बेस्ट करना है, तो हमें बेस्ट कोच भी लाने पड़ेंगे, हमें बेस्ट खाना भी देना पड़ेगा, हमें बेस्ट फिजियो भी लाना पड़ेगा, हमें फिर बेस्ट बहुत सारी चीजें हमें बेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर एथलेटिक्स बहुत आगे जा चुका है, हम लोग इसलिए एथलेटिक्स में बहुत पीछे है। और जहां तक रेस वॉकिंग की बात है, मैं कहूंगा कि चाइना ओलंपिक में फर्स्ट सेकंड थी, जापान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हमारे बगल की कंट्री है ये, है ना, और तुम्हारा कोरिया ऑलरेडी ओलंपिक में बेस्ट ऑफ 15 में रहता है। तो तीन चार कंट्री तो सिर्फ ये है जो हमारे बगल की है। और अगर आप यूरोप कंट्री में, आप अगर ओलंपिक का रिजल्ट देखोगे मेरा, तो कई कंट्री ऐसी है जिनका हमने नाम ही नहीं पता है, और वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कंट्री है, कर रही है। और मुझे लगता है कि वो शायद हमारी बैंगलोर बराबर भी नहीं है, या हमारी देहरादून बराबर भी नहीं है, वो कंट्रियां इतनी छोटी कंट्रियां हैं और ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं। तो उन लोगों का सोचने का तरीका और काम करने का तरीका बहुत अलग है। हम लोगों के पास क्या है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं है, हमारे पास हाईल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर भी बन सकता है, हम चाहें तो बैंगलोर जैसी जगह में रह सकते हैं, अगर हमें थोड़ा इम्यूनिटी, अगर किसी ऐसी कंट्री में हो रहा है कॉम्पिटिशन जहाँ गर्मी है, तो हमारे पास केरल जैसी जगह है, और हमें हाईल्टीट्यूड ट्रेनिंग करनी है तो हमारे पास उत्तराखंड, हिमाचल, और हमारे पास प्लस हमारे पास हर वेदर का है, हमें अगर आइस में, बर्फ में ट्रेनिंग करनी है तो वो भी जगह है, हमारे पास नॉर्मल करनी है वो भी, हमारे पास सब कुछ है, केवल हमारी कंट्री है जहाँ पे ऑल वेदर, आपको एक दिन में आप ऑल वेदर देख सकते हो। लेकिन सिचुएशन ये है कि हम लोग उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे मेन हम ग्रास रूट पे काम नहीं कर रहे। वॉकिंग जैसे आप कह रहे हो कि मेरे इलाके में आज की डेट में आप पता लगा लोगों को, जो पहले नहीं था, मेरे को देख के हंसते थे लोग, ये बात सही है, मेरे को देखते थे हंसते थे, लेकिन मुझे पता लग गया था कि वॉकिंग से मनी स्पोर्ट्स से तेरी नौकरी लग सकती है। मैं गर्दन नीचे करता, मैं दौड़ता रहता। आज के डेट में आप कभी बद्रीनाथ जाओगे तो आपको गोपेश्वर, चमोली ऐसे ऊपर दिखेगा, आप सोचोगे यार मैं वहां ट्रेनिंग करता था। और आज की डेट में वहां पे एक लड़का यूथ ओलंपिक खेला हुआ है, यूथ ओलंपिक अपने टीवी से, यूथ ओलंपिक मेडलिस्ट है सूरज पंवार, यूथ में मेडल है उसका ओलंपिक्स में। और तुम्हारा एक एक लड़का और है जो मेरे जहां मैं पढ़ता था जिस स्कूल से, उसने यूथ एशिया खेल लिया है, और वहां पे नेशनल मेडलिस्ट करीब चार पांच है वॉकिंग में। मतलब अगर रेस वॉकिंग नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, तो हमारे उत्तराखंड का हर कैटेगरी में एक लड़का पार्टिसिपेट होगा और बेस्ट ऑफ फाइव में होगा, तो कंडीशन ये है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि चलो आज के डेट में इवन मेरे फैमिली, मेरी मम्मी को नहीं पता था वॉकिंग क्या होती है, मेरी मम्मी ने मुझे लग रहा ओलंपिक, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ अपनी माँ को, माँ को पता नहीं था कि यार वॉकिंग होती क्या, मैं बोलता मैं दौड़ता हूँ, जब उसने ओलंपिक्स में देखा, जब सब लोगों ने वहां पे स्क्रीन पे लगाया, तब पता लगा उनको, तो वो फिर गांव को पता लगा, इलाके को पता लगा आज की डेट में। तो हम लोग बताऊं अपने आप को, फिर अभी अभी इंडिया में 2012 की बात से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने लगे हैं, 2012 में भी तीन किए थे, 2016 में भी तीन पांच किए थे, 12 में पांच किए थे, अभी भी पांच छह क्वालिफाई हैं। तो हम लोग बेस्ट ऑफ 10 में, 12 में भी थे, हम यार उस चीज में फोकस कर ही क्यों रहे 100 मीटर में, जब हमारे पास 100 मीटर का कोई एथलीट है ही नहीं, नेशनल रिकॉर्ड ही 1.20 का है और ओलंपिक क्वालिफाई 1.15 का है, तो हम उस चीज में फोकस कर ही क्यों रहे हैं, या तो हम उस लेवल का स्टैंडर्ड लाएं अपने पास। और अगर हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है, तो मैराथन में हमारा लड़का 20 प्लेस में आ रहा है, हमारा लड़का वॉकिंग में आ रहा है, हमारा लड़का जेवलिन में आ रहा है, हमारा लड़का शॉर्ट वो उसमें लॉन्ग जम्प में आ रहा है, तो हम उसमें करें ना यार। मैं वही बात होती है ना, अगर हमारा मैथ्स कटी जाए तो मैथ्स पढ़ाए ना, हम उसको साइंस की जबरदस्ती थोप रहे हैं, तो अपने आप रिजल्ट आएगा। अब मैं 13वां था जब मुझे 2012 में पता होता कि मैं 2016 ओलंपिक क्वालिफाई करूंगा, आप मेरे पास इतना, मेरे तो पूरा रिसर्च होता है, या फिर मुझे उस टाइप का मेरे को फोकस दिया था, तेरे फैमिली, तेरी घर की कंडीशन, तेरा कोई भी चीज है, तुझे कोई टेंशन नहीं लेनी, कितना रुपया लगता है मेरी फैमिली को मेंटेन करने में, मुझे तो नहीं लगता, शायद 15-20 लाख में मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत छोटी रकम है एक, अगर आपको कंट्री को मेडल दिलाना है तो।
आप बोलो तेरा फैमिली का कोई टेंशन नहीं, आपको सिर्फ ओलंपिक ओलंपिक ओलंपिक, मैं सुबह भी ओलंपिक शाम को भी ओलंपिक, सुबह भी ओलंपिक शाम, मेरे दिमाग में वही चलता रहेगा, तो मैं दूंगा ओलंपिक मेडल, क्यों नहीं देता मैं। तो हम इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग अब बचपन से हर चीज को सिखाएं, हर चीज को बताएं, तो हम बहुत अलग चीज सोच रहे हैं, हमें इस चीज को बहुत ध्यान में रखना होगा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें फैसिलिटी नहीं मिली, फेडरेशन की तरफ से भी बढ़िया मिलता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि देखो कि सिस्टम हर चीज से बनता है, एक आदमी पूरा सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे भी होते हैं बुरे भी हैं, चाहे वो मेरे डिपार्टमेंट में है, चाहे वो फेडरेशन में है, चाहे वो साई में है, चाहे वो कहीं भी है। तो हम लोगों को मतलब हर हर आदमी को एक फोकस रखना पड़ेगा, तब जाके मेडल आएगा, मेडल ऐसे नहीं आ सकता। और सबसे मेन है हमें एक तो स्पोर्ट्स साइंस पे ध्यान देना पड़ेगा, सबसे मेन स्पोर्ट्स साइंस पे, और जो बंदा परफॉर्म कर रहा है ना उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार कि नहीं कर पाएगा, जैसे मैं बताऊं 2013 में क्या हुआ था, मैं नेशनल में नहीं था, पार्टी नेशनल कैंप में नहीं था, और ऐसे और भी है, मैं आज रेस दौड़ा, मैं 20 किलोमीटर में डिस्क्वालीफाई, मैं अगले दिन 50 किलोमीटर दौड़ा सीधा, और उसमें मैंने सिल्वर मेडल दिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई कर दिया। उसी दिन मुझे उठा के ऐसी जगह डाल देना चाहिए था कि आपने 2 दिन में 2 रेस दौड़े हो भैया, आप ओलंपिक जाओगे और आपने हमारे देश को मेडल देना। ऐसे और भी लड़के हैं, 2-3 हैं, जैसे सूरज पवार यूथ ओलंपिक मेडल जीत दिया है, उसी अभी उस 2018 में जीता है, उठा के उसे रख दो कहीं ऐसी अकेडमी में, उसे सब कुछ बोल दो तेरा सब टेंशन हमारी टेंशन, तुझे ओलंपिक मेडल देना, बस वो देगा। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा मतलब ध्यान देना पड़ेगा ना, हम लोग सब, हमारे कंट्री में बहुत सारे डिबेटें भी होती है, हमारी कंट्री में मैं कह तो रहा हूँ सब कुछ है हमारे पास, कोई कमी नहीं है यहाँ पे, नेचुरल खाना आपको जो चीज खाना है, 10 रुपए के सब्जी मिलती है यहाँ पे, 100 रुपए की मिलती है, और ये एकमात्र कंट्री है जो शायद सब कुछ ऐसा अवेलेबल है यहाँ पे। तो वही है, हमें इन चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, और मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में चले गया, आपने मुझे पूछा था। नहीं, आप जो कोई भी आंसर देंगे ना, शायद हमने कभी सोचा नहीं भी ना हो ये बात, क्योंकि एक एथलीट ने जो जिंदगी जी है वो जितना डिटेल्ड अकाउंट दे सकता है कि उन्हें क्या हेल्प चाहिए, उन्हें क्या मदद चाहिए, उन्हें कहाँ कमियां नजर आई और कहाँ सपोर्ट नजर आया, वो चीज को बाहर लाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यही बातों से आप और आगे बिल्ड कर सकते हैं। तो जैसे आपने अपने प्रीवियस रिस्पॉन्स में कहा था कि हमें स्पोर्ट्स साइंस पे ध्यान देना है, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, फिजियो पे ध्यान देना है, एक न्यूट्रिशन रिलेटेड सवाल है मुझे आपके लिए कि आपके कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है जो पॉपुलर, मतलब रेस वॉकिंग में क्या हद तक आपको आपके डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस पे नजर रखनी पड़ती है, और आप ये आप पर्सनली कैसे मैनेज करते हैं? जी देखिए, पहले तो मैं 2015 तक खुद ही, मेरे को असल में नेचुरल खाना ज्यादा पसंद है, मेरे को नेचुरल चीजें हरी सब्जी वगैरह मुझे नेचुरल वैसे ही पसंद है, मुझे तब तक न्यूट्रिशन का कुछ नहीं पता था। 2015 में मेरा स्पॉन्सर को स्पोर्ट्स फाउंडेशन मुझे स्पॉन्सर करता है, राहुल द्रविड़ फाउंडेशन से, राहुल द्रविड़ सर का है वो, और उसमें मतलब मुझे वहां से मुझे स्पॉन्सर, असल उस स्पॉन्सरशिप से मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि अभी तक वो मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं। और उनका एक चीज है कि अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हूँ, कभी हो सकता है एथलीट, देखिए 10,000 किलोमीटर में तो गाड़ी भी सर्विस मांगने लग जाती, तो हम लोग तो एथलीट है, तो कभी कभार क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप डाउन होती है, तो वो लोग कभी नहीं बोलते, वो फिर भी सपोर्ट करते हैं। तो मुझे एक चीज अच्छा लगा, देखिए आप ये नहीं सोच सकते कि तुरंत परफॉर्मेंस करना है ना, तो वहां से उन्होंने मुझे, उन लोगों ने मुझे बताया कि आपको न्यूट्रिशन में रखना है, तो बैंगलोर में थे रायन फर्नांडो जी, वो मेरे न्यूट्रिशन थे, तो तब मुझे पता लगा कि कौन सी चीज मुझे कब खानी है, कैसे खानी है। और अभी भी मेरे वो, उन्होंने एक न्यूट्रिशन रखी हुई है ना, सलीन मैडम है शायद, तो वो मुझे सपोर्ट करती है, वो मतलब मुझे बताती हैं आपको ये डाइट करनी है, जब मेरे से हो पाता है मैं उन्हें बता देता हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ, जब नहीं हो पाता मैं अभी मैं थोड़ा इधर हूँ उधर हूँ, क्योंकि हर समय हम काम ऐसे है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि फैमिली हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, सब कुछ को देखना पड़ता है। तो मैं ये डाइट चार्ट फॉलो करता हूँ उनका, और मैं सबको यही कहूंगा कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं पिज्जा बर्गर वगैरह कुछ नहीं खाता हूँ, मुझे लगता है कि साल में शायद एक बार या दो बार कभी, मैं अपनी नॉर्मल वाइफ ने बोल दिया या कोई ऐसे फ्रेंड मिल गया जो खा रहे हैं तो हम लोग खाते हैं, नहीं तो मैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल फोकस नहीं है कि मुझे खाना ही खाना। आप जितना हो सके नेचुरल ग्रीन सलाद, ग्रीन वेजिटेबल, ये चीजें पे अगर आदमी ज्यादा फोकस करे, बॉयल फूड पे ज्यादा फोकस करेगा हर किसी के लिए, तो ये नॉर्मल आदमी के लिए बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि केवल हमारी कंट्री ही ऐसा है कि हम लोग, मैं अपनी कंट्री का नाम इसलिए, आप कहीं ये मत सोचना कि बार बार कंट्री को वो कर रहा है, हम लोगों का ये है कि हम लोग ज्यादा तेल खाते हैं, हम लोग ज्यादा मिर्च खाते हैं, और कोई देश में नहीं खाते लोग, सब बॉयल खाना खाते हैं,
और ज्यादातर हो सके सब नेचुरल खाना खाते हैं, हम लोग नहीं खाते, तो हमें इस चीज पे, जिससे हमारा जो डायबिटीज है, कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, अपना हार्ट हार्ट प्रॉब्लम हो रही है कि इसी कारण हो रहा है। हम फिजिकल तो कुछ कर नहीं रहे हैं और जंक फूड इतना खा ले रहे हैं कि हम लोग घर में बैठे। तो मेन है कि डाइट को मेंटेन रखिए, नेचुरल चीज खाइए, जितना नेचुरल खाओगे उतना बेनिफिट रहेगा बॉडी के लिए। तो मनीष सर, आपने आपने कहा था आपके जर्नी में आपने कई टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट किए हुए हो, तो आपकी रेस वॉकिंग की जर्नी में आपकी सबसे फेवरेट क्या मेमोरी है जो आपकी शायद मन में वापस आता है, आपको बस खुशी आती है जब आप उसके बारे में सोचते हो? जी एक्चुअली मैं सबसे मेन तो मेरा एक तो मैं आपको बीच में भी बताया था कि मैं 2013 में नेशनल कैंप में नहीं था, मैं पटियाला में था। मैं उत्तराखंड से परमिशन लेके पटियाला गया था ट्रेनिंग के लिए। उस समय मेरा केवल एक इंडिया पुलिस में थर्ड मेडल था और जूनियर नेशनल मेडल था जिससे मैं जॉब करा था। अब मुझे क्या करना है, नेशनल टीम में जाना है, तो नेशनल टीम में जाने के लिए यही अलेक्जेंडर कोच था और वहीं पे इरफान की टीम वगैरह ओलंपियन जो कुछ है वो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने इनको टीवी में देखा था, गुरमीत सिंह। तो मैंने कहा यार अंदर जाना है मुझे, कैसे जाऊंगा मैं? तो मैं बाहर से ट्रेनिंग करके किसी बार कोई भाई साहब है ONGC में, प्रीतम बिंदु, पुराने 1500 मीटर के अच्छे प्लेयर है, तो उन्होंने मुझे वहां पे बात कराई, मेरे कोच ने उनको बोला, अनुप सर ने। फिर उन्होंने जो कोच था उनके बैचमेट था, तो उन्होंने बोला ठीक है आप पहाड़ी हो, पहाड़ से हो? मैं हाँ पहाड़ी। चलो ठीक है करो आप, ठीक पहाड़ी पहाड़ी बोलते थे मुझे, मैं ठीक है। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए लगाया। पहले दिन मुझे खुशबीर कौर है, अपनी ओलंपियन है, अर्जुन अवार्डी, उसके साथ लगवाया कि ठीक है आप इसके साथ करो। मैंने कहा ठीक है भाई इसके साथ करो, तो करने लग गया प्रैक्टिस। कुछ एक दो हफ्ते बाद मुझे चेंज कर दिया, फिर मुझे लड़कों के साथ शिफ्ट कर दिया। अब मैं कर रहा हूँ ट्रेनिंग, सब कुछ कर रहा हूँ। एक मोमेंट क्या है कि उस दौरान ना एक लड़का था, लड़का है ओलंपियन, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ठीक नहीं है। तो मैं ऐसी सबसे आगे प्रैक्टिस करने गया, तो उसने मुझे बोला पहाड़ी पीछे आ जाओ, यहाँ 5-6 ओलंपियन है, आपको आगे नहीं जाना है, पीछे रहो आप, 5-6 ओलंपिक पार्टिसिपेट किए। तो मुझे वो चीज बहुत ज्यादा फील हो गई। मैंने कहा यार बंदे ने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे यह लगा यार, मेरे को ये नहीं लगा कि इसने मुझे ये क्यों बोला, मुझे लगा यार इस तरह से बोला, मुझे थोड़ा सा ये फील हो गया। मैंने उस दिन सोच लिया कि मनीष अब ओलंपिक जाना है, जाना कैसे। तो कभी कभार दिमाग में एक चीज ये रह गई थी मेरी। और जब मैं बाहर से ट्रेनिंग करने आ रहा था, मैं खाना बनाता था, मेरी असल में 20 मंथ तक मेरी 3500 रुपये तनख्वाह मिलती थी मुझे। कोई प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे, हम स्पोर्ट्स से थे तो इतना ध्यान नहीं जा पाया फाइलों में, तो हमारी फाइल दब गई। तो गलती से मेरे 35 महीने तक, 20 महीने तक, सॉरी 3500 मिलती थी मुझे। तो मैं कमरे पर रहता, खाना बनाओ सब कुछ करो, हालत खराब हो जाती प्रैक्टिस में, और अंदर जाके मुझे फिर कैंप में भी जाना था और प्रैक्टिस ही पूरी करता था। तो कंपटीशन आया, फर्स्ट रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, जैसे अभी जो रांची में हुआ था वही फर्स्ट रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2013 में हुई थी। मैंने आज 20 किलोमीटर स्टार्ट करी, मैं प्रैक्टिस 20 किलोमीटर कर रहा हूँ, 20 किलोमीटर स्टार्ट करी, मैं 14 किलोमीटर में डिस्कालीफाई हो गया, मुझे डिस्कालीफाई, क्योंकि मैं नया लड़का भी था, ऊपर से मेरी थोड़ा लेग में प्रॉब्लम थी, लेफ्ट वाले में मेरी प्रॉब्लम। अब स्पीड ज्यादा थी तो ज्यादा प्रॉब्लम थी, अब स्पीड स्लो हो गई तो प्रॉब्लम कम हो गई इस पैर की। अब मैं रोने लग गया, मैंने कहा यार फिर खाना बनाओ बाहर नेशनल के अंदर, मेरे से खराब लड़के, मतलब जो मेरे से कम टाइमिंग के हैं वो, क्योंकि वो नेशनल में दौड़े थे ना, मैं नहीं दौड़ा था नेशनल। मैंने कहा मुझे जाना है कैसे। तो नेक्स्ट डे मैंने कोच को बोला कोच मैं कल 50 किलोमीटर करूंगा। बोला यार कैसे करेगा, तूने तो कभी 50 की ट्रेनिंग भी नहीं कर रखी। मैंने कहा कर लूंगा, मैंने कहा देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देख लेंगे। बोला ठीक है, फिर मैंने एंट्री करा। अगले दिन शुरू हो गया रेस, 32 किलोमीटर में मैं गिर गया, मैं पटियाला ग्राउंड में बिल्कुल रोड में गिर गया, मैं मेरे बस की नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 14 किलोमीटर अगले डे किया हुआ था। मैंने कहा यार अब कैसे होगा। फिर मैं उठा, मेरे एक सीनियर है वो आए, इलेक्ट्रोल पिलाया, बोला पांचवा चल रहा है तो नेशनल कैंप में आ जाएगा। मैंने कहा हाँ यार नेशनल कैंप में आ जाऊंगा, इंडिया टीम में आने के लिए तो उस बड़ा जोश था। मैं खड़ा उठा, फिर से शुरू हो गया। फिर शुरू हुआ तो 38 किलोमीटर में आगे एक डिस्क्वालीफाई हो गया, मैं फोर्थ हो गया। मैंने कहा यार चलो फोर्थ हो गया, अब तो फिनिश करनी है। फिर उसके बाद 42 में एक बंदा गिर गया, वो हॉस्पिटल चले गए, डिहाइड्रेट होगी ना उसकी बॉडी। मैं थर्ड हो गया, अब मैं थर्ड पे कोशिश कर रहा हूँ फिनिश करने। मतलब वो रेस मुझे आज तक याद है, क्योंकि मेरा इतना जोर लग चुका था, जो 50 किलोमीटर मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था। अगले डे मैं सेकंड प्लेस हो गया और मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप बी क्वालिफाई कर दिया। उस समय वर्ल्ड चैंपियनशिप मॉस्को में था, मैंने क्वालिफाई कर दिया वर्ल्ड चैंपियनशिप सीधा। और फिनिश होते होते मतलब मैंने रास्ते में क्या क्या खाया, इतनी भूख लगती है ना, तो मैंने लोग वहां पे NIC जो डिप्लोमा कर रहे थे उनकी वो पराठे खा रहे, मैंने उनके पराठे छीनते, क्योंकि रेस में रुक तो सकता नहीं, कभी वो खा रहा हूँ, फिर पानी गले लग रहा है मेरा, मैं पानी पी रहा हूँ, पानी लाओ। तो वहीं से मतलब थोड़ा लाइफ चेंज हुआ। फिर मई में मेरा नाम आया नेशनल टीम में, फाइनली मैं फिर नेशनल टीम में चले गया और हमारा कैंप बेंगलोर लगने लग गया, शुरू हो गया बेंगलोर लगना। तो बस वहां से फिर मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग में रहा, फिर मुझे ज्यादा इश्यू नहीं आया, थोड़ा सा खर्चा वर्चा बच गया मेरा, नेशनल टीम में खाना वाना सब ठीक मिलता है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है।
नेशनल टीम में जाना उस समय, तो मतलब इतना वो रेस मैं नहीं दौड़ता, तो वो लाइफ चेंजर रेस थी मेरी, तो इसलिए मुझे वो याद है। और मैं हमेशा हर किसी को उदाहरण देता हूँ कि आप जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि मैं हार गया हूँ, और अगर जहां तुमने सोच लिया कि मैं हार गया वहां तुम कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि हार जीत पहले हारोगे उसके बाद ही जीत पाओगे। तो वो लाइफ मेरी लाइफ का वो रेस मेरी लाइफ का, शायद अगर मैं उस दिन दौड़ता नहीं शायद मैं ओलंपियन भी नहीं होता, क्योंकि उसके बाद मेरे डिपार्टमेंट से ही मुझे बोला गया था कि आपके लिए लास्ट चांस है, मेरा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, आप वापस आओ। और अगर यहाँ मतलब बुला देते मुझे कि आपका परफॉर्मेंस नहीं है, आपको वापस आना पड़ेगा, या तो परफॉर्मेंस दो, क्योंकि रूल तो यही है अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो तो वहां पे क्या करूँ, तो 2-3 महीना मुझे शायद और समय मिलता। तो वहां से मतलब लाइफ चेंज हुई है। और ऑब्वियसली डिपार्टमेंट में आने के बाद भी, उत्तराखंड पुलिस में आने के बाद भी, मेरे को थोड़ा मेंटलिटी में फ्री हो गया कि मैं अब जॉब में लग चुका हूँ। और जब प्रमोशन हुआ तो उसके बाद और फ्री हुआ, कॉमनवेल्थ खेला मैंने, एशियन गेम खेला, हालांकि मेरा मेडल नहीं आ पाया कॉमनवेल्थ में, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया था कॉमनवेल्थ में। ऑस्ट्रेलिया जिसका सिल्वर मेडल था ओलंपिक में, वो गोल्ड किया था, केनिया वाला भी मेडलिस्ट था, कनाडा वाला मेरे से आगे था, मतलब बेस्ट ऑफ 10 में थे वो सारे कॉमनवेल्थ में आगे थे। और एशियन गेम में भी सेम हुआ, चाइना के फर्स्ट सेकंड थे वो वहाँ आगे थे, और जापान वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी आ गया था। तो हमारी रेस में कंपटीशन बहुत है, असल में लोगों को नॉलेज नहीं है, थोड़ा पता नहीं है ना, लेकिन बहुत ज्यादा कंपटीशन है। यूरोप की सारी कंट्रीज वॉकिंग करती है, लगभग लगभग सारी की सारी रेस वॉकिंग। वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा जापान का है बता तो रहा हूं मैं, और 50 किलोमीटर में स्लोवाकिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। तो वो मेरी लाइफ चेंजर, आप जो पूछ रहे थे सवाल, वो लाइफ चेंजर मेरा मोमेंट था। ऐसे मेरी लाइफ में शायद बहुत सारे मोमेंट भी हैं, तो ये मतलब स्पोर्ट्स में लाइफ चेंजर मेरे मोमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाई स्कूल में फेल हुआ था, अगर मैं फेल नहीं होता तो मैं नौकरी नहीं लगता, तो वो भी लाइफ चेंजर बोल सकते हैं। नहीं सर, आपको मेरे माइंड में वही आता है, आप वो ओलंपियन को थोड़ा फोन करके कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि अच्छा बोल रहे आपने परफेक्ट। मैं जब हम ओलंपिक गए वो भी मेरे साथ आया था, हम 5 लड़के थे। मैंने बोला यार भाई तुमने यार उस दिन मुझे ऐसा बोला था, मुझे थोड़ा बुरा नहीं लगा मुझे, पर मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने मुझे बोला था, अच्छा किया आपने मुझे बोला। और यार किसी को डिमोटिवेट मत करना बस, क्योंकि हो सकता है मैंने तो पॉजिटिव में लिया, हो सकता है कोई बुरा मान के या फिर सोचता है यार मेरे को ऐसे ग्राउंड ही नहीं आता या तो पता ही नहीं, कई लोग होते ना। तो अब ये बात करी थी मैंने, बोल दिया सामने पे बोल दिया। अरे अच्छी बात है, अच्छी अच्छी बात है, आपका इंस्पिरेशन बन गया। तो नहीं सर, मैं पूछना चाहता था कि देखो आपने जैसे कहा ना कि हमारे देश के करीबी, जैसे जापान देखो, चाइना देखो, कोरिया देखो, शायद थोड़ी सी उनकी ट्रेनिंग की डाइट में थोड़ा सा बदलाव है। तो अभी आपका कोच अभी अलेक्जेंडर आर्टसीबाशेव है, तो जो वो आपकी कोच बने ना वो रशिया से है, तो आपका पर्सपेक्टिव जैसे कैसे बदला, कि आपका ट्रेनिंग शायद में कुछ बदलाव आपने किया, कि आपके डाइट में उनके ट्रेनिंग से आपने क्या चेंज किया? देखिए सबसे पहले ना, मैं जब नेशनल कैंप में गया उसके पास, जब मुझे नाम आया मेरा, तो मैंने उसको रशियन को उसमें एक चीज देखा, वो बताऊं, जैसे हमारे हम कभी ट्रेनिंग छोड़ रहे हैं कुछ भी कर लेना, वो खाना नेचुरल डाइट नेचुरल खाने को भी रशिया का है, रशिया और भी सप्लीमेंट में आपको पता है पूरा बैन है, वो डोपिंग में पूरा रशिया आ चुका है, ये भी रशिया का है। लेकिन इसने हमें कभी ये नहीं बोला कि आपको डरता है कुछ भी चीज 10 बार ये मत खाना वो मत खाना, बोलता है यार क्या भरोसा कौन सी चीज खाना ढंग से खाना, और ये नेचुरल चीज पे ज्यादा ध्यान देता है। और दूसरी बात ये कि डिमोटिवेट कभी नहीं करता, आप मतलब नहीं कर पाए ना ट्रेनिंग नहीं करी आपने आज, कोई बात नहीं कल करेंगे हम, दूसरे दिन आपको समझाएगा, कॉफी पे बुलाएगा, बोलेगा बेटा हुआ क्या था कल, आज हुआ क्या, मतलब क्यों नहीं कर पाया तुम मुझे बता। जैसे मतलब मैं ये चीज सीखा हूँ कि आप ना, क्योंकि देखो आप इस लेवल में पहुंच चुके हो, आप नेशनल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप नेशनल मेडल दे रहे हो, तो वहां पे जैसे हमारे कोच कभी कभार डांट देते हैं, डरा देते हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, भगा देते हैं, जो इंडियन कोच का किसी किसी का ये थिंकिंग है। तो मैंने इसके अंदर एक चीज देखा, इसमें कभी वो नहीं किया, क्योंकि आदमी को ना मन से काम करेगा, आप कभी उसको लाठी मार के या हड़का के या फिर डरा के काम कराओगे, करेगा तो है वो काम, लेकिन उस काम का वो मजा नहीं रहेगा जो वो नेचुरल चीज करेगा। तो इसका ऐसा है कि ये बोलता है कि बेटा टेंशन नहीं लेनी, कोई फैमिली प्रॉब्लम है वो भी, मेरी भी फैमिली फिर समझाएगा, मैं 1 साल से घर नहीं गया, तो इस तरह से बताता है कि यार देखो मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे मिलता है नहीं, वीडियो कॉल में मेरा मन नहीं करता घूमने का, मेरा भी करता है, मैं तो तुम्हारे दूसरी कंट्री में हूँ, इस तरह मतलब ये मोटिवेशन करना इनका। मैंने ये चीज देखा, ये मोटिवेट ज्यादातर माइंड माइंड से ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, जो भी मैंने फॉरनर्स देखे वो माइंड से ज्यादा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप माइंड से स्ट्रांग हो ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता, ये बात तो सच्ची है, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, वही 50 किलोमीटर वाला,
उसी को मान लो मैं माइंड से स्ट्रॉन्ग नहीं रहता तो मैं अगले दिन दौड़ता ही नहीं। मुझे तो कह रहे थे कि तू पहाड़ी कहाँ दौड़ पाएगा, मुझे बोला कोचों ने बोला तू कभी दौड़ा ही नहीं कहाँ दौड़ पाएगा, मैंने इधर देखता है। तो वही चीज है कि आपको माइंड से वो कोच मतलब माइंड से वो करना, अपने आप को उदाहरण ऐसे दे देना कि अगला आदमी बोले, अगला आदमी दूसरे दिन खुद ही बोल देगा ठीक है कोच कल संडे है मॉर्निंग 7 बजे मुझे ट्रेनिंग कराना अगर मैं सैटरडे को छोड़ दिया। तो ये चीजें मैं सीख गया हूँ उससे और मुझे अच्छा लगा कि मतलब जो ये चीज आदमी कहीं से कमा नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, चीट नहीं कर सकता, ये चीजें हैं आदमी नेचुरल आती है अपनी बॉडी में और चीटिंग नहीं नहीं पसंद उसको, कोई चीटिंग करता है ना वो उसे नहीं पसंद क्योंकि हमारी रेस वॉकिंग में ये चलता है थोड़ा बहुत। तो वो एक सच्चा आदमी है, मुझे अच्छा लगा कि वो मतलब इस तरह से मोटिवेट। तो ये चीजें मैं सीखा हूँ उनसे। मनीष जी आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपको अगर सबको बताना है रेस वॉकिंग के बारे में ऐसी कोई चीज जो कहते हैं ना आम जनता को ना मालूम हो तो वो क्या होगी? देखिए मैं रेस वॉकिंग की नेचुरल चीज तो मैं ये कहूंगा, देखिए जैसे हम वॉक करते हैं नॉर्मल वॉक करते हैं हम, उस समय भी हम लोगों का एक पैर हमेशा हवा में रहता है, फ्रंट लेग हमारा हमेशा सीधा रहता है। आप नोटिस करना हम कभी भी वॉकिंग कर रहे होंगे नॉर्मल भी चलते हैं हमारा जो लेफ्ट लेग आगे होगा तो राइट हैंड पीछे ही होगा, यही टेक्निक है, हाथों को ऊपर रखते हैं बस। और इस टेक्निक को अगर मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी हमारे पहाड़ी इलाके के लोग हैं, जितने भी हम लोग जो स्ट्रगलिस्ट हैं जो घर में फैमिली में काम वाम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कर सकते हैं। और हम लोगों के पास टेक्निक, जिस टेक्निक को कहीं ढूंढना नहीं है कहीं जाना नहीं है, हम बचपन से ही कर रहे हैं, चाहे वो कोई आम आदमी भी है हम वॉकिंग बचपन से कर रहे हैं, बस उसमें थोड़ा सा स्पीड हम ला सकते हैं, एंडोरेंस हमें लाना है, स्ट्रेंथ, इसमें सारी चीजें आती है, एंडोरेंस स्पीड टेक्निक है ना, अब फोकस, फोकस भी करना है हमें, मेडल जीतना है हमें, टेक्निक पे भी ध्यान देना है हमें, एंडोरेंस भी लाना है अपने अंदर और हमें स्पीड भी लाना है, ये तीनों चीजें आती है इसमें। और एथलेटिक्स की खैर एथलेटिक्स में तो हर स्पोर्ट्स में ये है, एथलेटिक हर इवेंट में है ये। और मैं तो ये कहूंगा यार एथलेटिक्स हमारे स्पोर्ट्स की माँ बोला जाता है एथलेटिक्स को, और हम अपनी माँ को संभाल के रखें क्योंकि हम लोगों के पास ये कर सकते हैं हम लोग। और हम मेडल कब जीतेंगे, जब अभी हम 13वें होने के बाद 5वें होने के बाद मेडल अभी तक नहीं आ रहे हमें, इतने साल हो गए तो कब लाएंगे? और 150 करोड़ की आबादी, 150 तो शायद 10 साल पहले आकलन था जनगणना जब हुई थी, अभी तो और ज्यादा हो गई होगी, अभी इस कोविड के चक्कर में हो नहीं पाए तो शायद पता नहीं कितनी जनगणना होगी। और हम 150 करोड़ की आबादी में 120 अगर ओलंपिक खेलते हैं, हम लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए। और जब चाइना जब वर्ल्ड चैंपियनशिप बन सकता है बगल में, हमारी जैसे ही उनकी फेस है, हमारी जैसी उनकी हाइट है, जब वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है तो हम क्यों नहीं? तो हमें हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें हर स्पोर्ट्स साइंस पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें हर उस आदमी पे ध्यान देना पड़ेगा जो जिसके लिए बनाया, उसको ढूंढना पड़ेगा, हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। हम उसके लिए वेट करेंगे या सोचेंगे नेचुरल मनीष 13वां होगा, अगली बार एक कोई और हो जाएगा जो 5वां 6वां, तो पॉसिबल नहीं है। अंडर 10 में आने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा, बहुत टफ है, तो इस चीज पे प्लीज फोकस करें जी। और मनीष जी जो भी अब जो यूथ गेम्स खेल रहे हैं या जो यंग एथलीट्स है, नॉट जस्ट इन वॉकिंग बट अक्रॉस अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो, जो मैं कह सकता हूँ कि एक कठिन दौर से गुजर रहे क्योंकि जो पिछले साल में कोविड हुआ उनके गेम्स रुक गए, तो उनके लिए कुछ मोटिवेशनल आपको अगर कहना है कि कैसे बने रहना है, आपके स्पोर्ट्स से कनेक्टेड रहना है? देखिए मैं तो यही कहूंगा स्पोर्ट्समैन को हमेशा पेशेंस रखने की जरूरत होगी, अगर वो पेशेंस नहीं रखेगा तो वो कभी अपने आप को सफल नहीं पाएगा, कभी नहीं हो सकता वो सफल, क्योंकि हर खेल में चाहे वो कोई भी खेल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, चाहे इंडिविजुअल खेल कोई भी हो, हमें पेशेंस, रिजल्ट हमें एकदम से नहीं दे सकते। और आप उसी चीज को सोचिए ना, कोविड तो है ही, वो पूरी दुनिया में है, हम लोगों को इसको फोकस रखना है। अगर तुम स्पोर्ट्स छोड़ दोगे तो तुम्हारी पहचान क्या है फिर दूसरी, ना तो तुम पढ़ाई कर सकते हो अब इतनी ज्यादा, मैं ये नहीं बोल रहा हर आदमी IAS भी नहीं बन सकता। और अब आज की डेट में मैं कहूंगा कि यार अगर आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड को छोड़ो मत, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो आपको दूसरा स्टेप उठाने के लिए आपको फिर 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, और उम्र कम तो नहीं हो सकती ना, उम्र तो आपकी वही रहेगी। तो आप उस चीज को सिर्फ 1-1.5 साल, मुझे लगता है शायद इस साल लास्ट होगा ये जो भी होगा, अगले साल से सब कुछ खत्म हो जाएगा, शायद हम सब लोग नॉर्मल हो जाएंगे और हम फिर से वही चीज जैसे हम पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। तो प्लीज अपने आप को पेशेंस रखिए, अपने अंदर पेशेंस रखना मत भूलिए, और अपने आप को कंट्रोल करके फिट रखिए, क्योंकि कभी भी 1-2 महीने में आदमी फिट नहीं, 10 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी आपकी। और इस सबसे मैंने स्ट्रेस, कोविड के चक्कर में स्ट्रेस मत लें, स्ट्रेस लोगे तो मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है, मेंटली जहाँ फिट हो गए फिर आप दौड़ नहीं पाओगे, आप कुछ भी खेल नहीं पाओगे,
इस कोविड में ध्यान रखिए अपना, और स्पोर्ट्स को मत भूलिए, अपनी पहचान मत भूलिए। अपनी पहचान भूल जाओगे तो फिर तुम्हें कोई नहीं जानेगा कल के लिए। और जहां तक नौकरी का सवाल है तो नौकरी लग जाएगी, और पढ़ाई में तो यही कहूंगा, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आज की डेट में स्पोर्ट्स पे भी आदमी अफसर बनता है। मैं खुद अपने डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हूँ पुलिस में, और मैं इसके बाद डिप्टी एसपी हो जाऊंगा, फर्स्ट क्लास की जॉब मेरी लग जाएगी, ठीक ठाक मेरा कल के दिन प्रमोशन है, मैं अच्छे खास उस पर आ जाऊँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ चीज की शायद आपके माध्यम से कोई लोग सुनेंगे, उनको ये लगेगा कि एज ए कॉन्स्टेबल ज्वाइन कर रहा था 8-9 बर्थ कैंप में और आज अफसर बन गया, हाई स्कूल में फेल भी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचो कि मैं फेल हो गया मैं कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए, एक बार फेल होंगे, दो बार होंगे, लेकिन अगर मेहनत करते रहोगे तो सफल जरूर होंगे। तो इसलिए मेहनत करने वालों की भी हार नहीं होती है ना, मेहनती आदमी धोखा भी नहीं खाता। सर जो आपका आपका स्टोरी रहा है, और जो स्पेशली जो मोटिवेशनल आपने एडवाइस दिया है सब यंगस्टर्स के लिए, इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सर। आपका ये जो जर्नी, जितने भी दौर आए, जितने भी डिफिकल्टीज आए, वो सब चीज से गुजरना और आज अपने करियर में इतना कुछ हासिल कर लेना, बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली, इट इज आपसे बात करके ऐसा लगता है कि आज जो हम लोग संडे मॉर्निंग ये बात कर रहे हैं, एकदम दिन बन गया आपसे ये सब सुन के और आपसे मोटिवेशन लेकर। अब सर अब सब हम लोग ने इतने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, अब एक फन राउंड करेंगे जहाँ पे हम आपसे सवाल पूछेंगे और आपको जल्दी जल्दी आंसर देने का, इसको हम लोग रैपिड फायर बोलते हैं। तो जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आया उसका आपको आंसर देने का सर। ओके सर, ठीक है। ओके, तो आपका पहला सवाल, रेस वॉकिंग के अलावा आपका सबसे फेवरेट स्पॉट कौन सा है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, ओके। बास्केटबॉल रेस वॉकिंग में या रेस वॉकिंग के बाहर आपका स्पोर्टिंग आइडल? सपोर्टिंग आइडल मैं राहुल द्रविड़ कहूंगा, क्योंकि मेरा पहले से बचपन से मेरे वो बेस्ट प्लेयर रहे हैं और मैं उनको आइडल भी मानता हूँ। मेरे खेल में ग्यारसी है जो ओलंपिक खेला हुआ है, 10-7 ओलंपिक खेला है, 12 वर्ल्ड चैंपियन मेरे अपने पर्सनल खेल में। पर इंडियन आइडल जो इंडिया का मैंने पहला स्पोर्ट हमारे इंडिया में चलता है, तो राहुल द्रविड़ सर को मैंने अपनी डायरी में भी लिखा था और फाइनली वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में, मुझे बहुत खुशी मिली। सर मेरा भी, मेरा बचपन का आइडल भी राहुल द्रविड़ था, अभी धोनी बन गया लेकिन पहले राहुल द्रविड़ था। नहीं मेरा अभी भी राहुल ही है। सर स्पोर्ट्स के लिए आपका सबसे फेवरेट कंट्री कौन सा है जहाँ पे आप गए हो? सबसे फेवरेट कंट्री मेरी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, फैंटास्टिक। आपके आपके क्षेत्र में यानी रेस वॉकिंग में आपके सबसे बड़े राइवल या कंपेटिटर जिनके साथ आपको मुकाबला करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? मेरा वही ऑस्ट्रेलिया का है जराट टैलेंट, ओलंपिक बीजिंग ओलंपिक में 2 मेडल हैं, 820 किलोमीटर में भी और 50 किलोमीटर में भी, एकमात्र खिलाड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया का जराट टैलेंट। आपका पसंदीदा डिश या खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सबसे ज्यादा मुझे कड़ी चावल पसंद है और मुझे ग्रीन हरी सब्जी जो राई होती है हरी सब्जी वो मेरा बेस्ट है। ओके, और सबसे कम पसंद में जो आप देख के मना कर देते कि मुझे नहीं खाना ये? करेला। करेला और शिमला मिर्च। ओके, तो सर शायद ये आपके कहानी से सेम स्टोरी होगा, लेकिन आपका सबसे टफेस्ट जो कंडीशंस था जब रेस वॉकिंग कर रहे थे, शायद आपका नेशनल ट्रायआउट का या कोई दूसरा स्टोरी अगर हो तो वो भी कह सकते हो। एशियन गेम 2018। अच्छा, क्या हो रहा था सर? बीमार हो गया था। अच्छा, मुझे अचानक से बीमार हो गया था और वहां पे 126 में मेडल आया था और मैं 122 कॉमनवेल्थ में करके गया था 2 महीने पहले। मैं अचानक से मुझे फीवर हो गया, मैं दौड़ ही पाना, मेरा बहुत हालत खराब हो गई थी, मतलब मैं गया मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं एशियन गेम में अच्छा नहीं कर पा, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा बहुत जब मेडल के नजदीक था। अभी आप अगले एशियन गेम्स के लिए अभी तैयारी कर रहे हो तो अभी आपको रिडेम्पशन की अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सर आपकी जो कोई भी एक आदमी आप मिलना चाहते हो, जो अभी अब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है लेकिन आपकी जिंदगी में आप एक एक आदमी जो आप मिलना चाहते हो उनसे? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से, वो मुझे एक्टर है जो वो मुझे बहुत मतलब उनकी एक्टिंग और वो मतलब नेचुरल जो ग्राउंड लेवल से काम किए और आज की डेट में उनकी बातें वो क्या क्या एक्टिंग करते हो, मैं सोचता हूँ कभी ये मुझे मिलेंगे मैं जरूर मिलूंगा उनसे। सुपर एक्टर है, सुपर। एक्चुअली रिसेंटली क्या रघु रमन का मूवी देखा था उसका, सुपर रघु रमन 2.0। हाँ सुपर सुपर। फिर सर आप उत्तराखंड से हो तो शायद मुझे उत्तर पता है, लेकिन आप बीच प्रेफर करते हो कि माने हिल स्टेशन जैसे पहाड़ी जगह, आपका प्रेफरेंस क्या है? पहाड़ी जगह, मैं पहाड़ी भी हूँ और मुझे पहाड़ी भी बहुत पसंद है, असल में बीच में भी बहुत रहा हूँ लेकिन बीच में थोड़ा पब्लिक ज्यादा भीड़ भाड़
तो मुझे पहाड़ में अकेली जगह बहुत पसंद, मैं जाता रहता हूँ इधर। मेक सेंस, मेक सर सेंस। आइए कभी आप लोग भी आइए। जरूर जरूर, मौका लगेगा तो हम जरूर आएंगे। और सर अपनी लास्ट सवाल, आप इतना मेहनत करते हो तो आपका फेवरेट तरीका रिलैक्स करने का क्या है? आपको जब रिलैक्स करना है तो आपको फेवरेट क्या लगता है, क्या करूंगे? देखिए सबसे पहले तो सोना, खाना, सोना इंपॉर्टेंट है। मैं सो जाता हूँ, 1 घंटा मुझे सोने को मिल गया, मैं रिलैक्स हो जाऊँ नेचुरली। तो अगर आप सो रहे हो, मैं फेवरेट मेरा यही है, मैं सो जा, वो तो नॉर्मल सबका ही होता है, लेकिन फिर भी मतलब सो, कोई एक्टिव रेसिपी होता है एक्टिव रेसिपी कर लो, लेकिन नींद आना बहुत जरूरी है। मुझे 1 घंटा आधा घंटा नींद मिल गई, मेरा पूरा दिन सही रहता है, फिर मुझे मतलब कुछ भी करवा दो, सिर्फ आधा 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। कभी कभार तो 2 घंटा जब ज्यादा टाइटनेस होती तो 30 मिनट्स के ऊपर मुझे सो गया तो मैं फिट हो गया, मुझे कुछ करवा दो। तो मैं जहां तक कोशिश करता हूँ कि हर दिन 30-40 मिनट सोने की कोशिश करता हूँ। कहीं भी मिल जाए मुझे सोने को, ठक सो जाता हूँ। सर मेरे को भी कहीं भी मिल जाए सोने को, मैं भी सो जाता हूँ। हाँ लेकिन सर पता है, इसलिए सोता हूँ, सो जाऊँ इसलिए कि मुझे आज काम करना है, तो मुझे 30 मिनट सोना है तो मैं फिर फ्रेश हूँ, मतलब माइंड रेडी, मैं बहुत फ्रेश हो जाता हूँ, कहने का मतलब ये है। नहीं नहीं एब्सोल्युटली सर, सर आपसे बात करके हमें इतना आज आपके बारे में सीखने को मिला, ये एक नए स्पॉट के बारे में सीखने को मिला। हम आशा करते हैं कि जो भी ये एपिसोड देखेंगे या सुनेंगे उनको भी आपकी कहानी के बारे में पता चले, ये स्पॉट के बारे में पता चले, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हम सब चाहेंगे कि आपकी कहानी से अगर कोई एक इंसान इंस्पायर होता है जो एक डिफिकल्ट दौर से गुजर रहा है और उसको आपकी कहानी से कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, तो आई थिंक इससे ज्यादा हम कुछ मांग ही नहीं सकते ये एपिसोड के थ्रू। सो सर थैंक यू सो मच कि आप इस एपिसोड का भाग बने। थैंक यू, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू सर।